बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। वन मोलल सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि वन मोल ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180 ग्राम। 180 ग्राम मैंने कैसे निकाला, ये देखो C6H12O6 का फार्मूला है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम से आएगा। ये इसका मोल है, एक मोल ग्लूकोज। इसको आपने डिसॉल्व किया कितने 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में या 1 kg वाटर में, तो आपका वन मोलर सॉल्यूशन बना है। इसमें जो एलिवेशन हो रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट का, मान लीजिए वो वाटर है, इन्होंने सॉल्वेंट बताया नहीं कौन सा, मान लीजिए वो वाटर है, तो जब आप वाटर में एक मोल ग्लूकोज डिसॉल्व करते हो, 180 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करते हो, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है आपका 2 केल्विन का, है ना। 2 केल्विन का मतलब समझते हो, जैसे मान लो 373 पे मान लो बॉयल होता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 375 पे होगा अभी बॉयल, है ना। आपको पता है ना सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, आप और क्या बोल रहा है कि जब मान लीजिए वो अननोन सॉल्वेंट वाटर है, आपने उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व किया, कितना डिसॉल्व किया, 2 मोल 2 मोलल। 2 मोलल का मीनिंग है 2 मोल ग्लूकोज डिजोल्व किया, 180 प्लस 180, 2 मोल हो गया। ये डिजोल्व किया आपने 1 kg वाटर में, ठीक है, सेम सॉल्वेंट है, तो अब कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है, 2 केल्विन, तो वो भी सेम ही है, 2 केल्विन का ही डिप्रेशन हो रहा है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि उनके जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट है और जो एलिवेशन कॉन्स्टेंट है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो डेल्टा टी बी है ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट एलिवेशन कांस्टेंट इनटू m1। mm क्या है, m1 क्या है उसकी मोलैलिटी, है ना, और ये क्या है इसका फ्रीजिंग कांस्टेंट, है ना, और ये डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इनटू उसकी मोलैलिटी। इसका मतलब जब ये दोनों बराबर हैं, ये डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ बराबर है, इसका मतलब इनके कांस्टेंट में डिफरेंस है। वही हमको प्रूव करना है कि कितना रिलेशनशिप है के बी और के एफ के बीच में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम वन, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मतलब एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ एम टू, करेक्ट। अब आपको पता है कि दोनों तो बराबर है, 2 केल्विन इज इक्वल टू 2 केल्विन, है ना, टी बी इज इक्वल टू टी एफ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, आपने देखा अभी 2 केल्विन है, तो आप इसे पुट किया, तो इसका मतलब के बी जो कितना आ गया, आपने पुट कर दिया इसमें 1 मोलल और 2 मोलल, है ना, तो 2 kf, यानी कि जो कॉन्स्टेंट है ना एलिवेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज ट्वाइस द डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या फिर उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ओके, ट्वाइस है उसको। इन सब के टर्म्स देख लो, के बी इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इज डबल और ट्वाइस ऑफ द मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वन इज द करेक्ट ऑप्शन।